जहाँ से हम लोग मिथिला से काट के लाए हैं ये बांस, बिल्कुल आपको ऐसा ही चचरी मिलेगा। अरे नीतीश चाचा तो मूर्ख है साला, एक इंजन से दो इंजन से सात। आपको पता होना चाहिए मीडिया महोदय, हमारे बिहार राज्य का अभी सबसे बड़ा मनीष कश्यप एक पत्रकार नाम से अभी चल रहे हैं, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, आज उनको और ये भीड़ देखना चाहिए। अरे क्यों नहीं पता चलेंगे, वो मगही के लोग हैं, सरकार सत्ताधारी के लोग हैं, मनीष कश्यप आरएसएस से जुड़े हुए आदमी है। आप बताइए 32 को कारखाना है हमारे मिथिला क्षेत्र में, सब कारखाना को चला के बेच दिया ये मगही का सरकार। एक चीनी मिल में 50 करोड़ का लोहा था जो मगही में जाके विकास करवाए। अब देख रहे हैं मकान फ्लैट, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये फ्लैट दिखाइए, ये इसका बाप का पैसा का नहीं है बल्कि हमारे मिथिला लोगों का पैसा का है और 32 को कारखाना का ये सब पैसा है। मैं आपके चैनल माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये मगही का सरकार अब तो हर बाप के राज नहीं चलेगा, अब हम लोग मिथिला राज लेकर रहेंगे, क्योंकि अब हम लोग 8 करोड़ वासी हो गए बल्कि सरकार का नियम है 4 करोड़ पे ही होना चाहिए। अब हम लोग दिल्ली बम्बई पटना में 10,000 लेके पढ़ाई नहीं करेंगे, अब हम लोग मिथिला दरभंगा में पढ़ाई करना चाहते हैं। हमें भी हमें सब सुविधा दरभंगा मधुबनी मिल जाएगी, सुविधा मिल रहा है हमको यहाँ, हम पटना में क्यों पढ़े, हम पटना में क्यों पढ़े, हम दरभंगा पढ़ेंगे, हम मधुबनी में पढ़ेंगे। आईटी पार्क अभी तक नहीं बना है, हम लोग गाँव गाँव से जाके एक एक ईंट लाए हैं और एम्स दरभंगा में निर्माण करवाने का काम किया। आपको पता होना चाहिए मगही का जो सरकार है ना, वो एम्स हम लोग का संपत्ति है, हमारे मिथिला का संपत्ति है, और ये डबल इंजन की सरकार जो है वो एम्स को लेकर नालंदा जिला में ले जा रहा था। मिथिला को क्या दिया है, ठगने का काम किया है मिथिला को। और जैसे कि देख सकते हैं पटना की बात किया जाए तो ओवर ब्रिज सब जो है शीशा के बना हुआ है, लेकिन हमारे मिथिला में नहीं है, मिथिला में नहीं है, बांस का चचरी का पुल है, का पुल है चचरी, जहाँ से हम लोग मिथिला से काट के लाए हैं ये बांस, बिल्कुल आपको ऐसा ही चचरी मिलेगा। और आप चले जाइए नीतीश कुमार का गाँव में और ओवर ब्रिज मिलेगा, कांच की बड़े बड़े कांच के मिलेगा आपको, बड़े बड़े कांचों का बिल्डिंग मिलेंगे आपको। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, ठगने का काम किया है मिथिला को, अब नहीं उनकी सरकार चलेगा, अब उनकी सरकार नहीं चलेगी। जो अपने घर को नहीं सुधार पाया वो पूरे भारत देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए निकल गए हैं। अरे नीतीश चाचा तो मूर्ख है साला, एक इंजन से दो इंजन से सात इंजन, अब पूरे भारत का देखने लगा सपना, नहीं चलेगा, अब थोड़ा थकने का काम नहीं चलेगा, हमको मिथिला राज चाहिए, हम लोग हमको बिहारी बन के नहीं रहना, पलायन नहीं करना है।